डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, आज उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अब देखिए, विद्युत बल से संबंधित कुछ सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हो, ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। सवालों की मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार की फॉर्मुलेशन, अपन ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था किसका, फोर्स का। यदि यहां से आप फोर्स के फॉर्मूले को देखें तो F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी सवाल बनते, एक चीज को नियत कर देगा, दूसरे को परिवर्तित रखेगा। तो यहां पर आपके पास जब अपन आवेश को नियत कर दें, इसका मतलब इस वाले भाग को मैंने नियत कर दिया, तो F व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, आर स्क्वायर की। तो अब उनके मध्य दूरी परिवर्तित हो रही हो तो आपके पास डायरेक्टली आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, एफ वन अपॉन एफ टू इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर। ध्यान रखना है व्युत्क्रमानुपाती में वन और टू उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे के, और समानुपाती में समान रहेंगे। यदि ये संबंध समानुपाती का होता, जैसे अपन अगले केस की बात करेंगे, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, जब ये नियत दूरी नियत होगी तथा आवेश परिवर्तित होगा, तो अपन को पता है F समानुपाती होता है Q1 Q2। इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 2 की फॉर्मुलेशंस, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डेज वाला चेंज वाला आएगा। चलिए देखिए सवाल किस तरीके से बनते हैं, अपन उसकी बात करते हैं। इस चीज को समझने के लिए कि अपन एक उदाहरण लेते हैं कि कोई भी दो आवेश Q1 और Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तब उनके मध्य लगने वाला बल यदि F है, उन आवेशों के मध्य की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। तो पहली चीज तो अपन को यहां से समझने की जरूरत है कि जब भी इस प्रकार के सवाल आए, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपन को पता है बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी को दुगुना किया, गुना किया, इसका मतलब उसमें व्युत्क्रमानुपाती है तो भाग लगेगा, और वो स्क्वायर में है तो दो का स्क्वायर चार, इसका मतलब बल क्या हो जाएगा, एक बटे चार भाग हो जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मुलेशन अपने पास वही था, F2 अपॉन F1 व्युत्क्रमानुपाती का था, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। R1 कितना है R, और R2 कितना था 2R, क्योंकि दोबारा अपन ने दूरी को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। यहां पे R से R क्या हो गया, आपके पास कैंसिल आउट हो गया R से R, बचा क्या आपके पास 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो 1 बाई 2 का स्क्वायर सॉल्व किया तो कितना हो गया, एक बटे चार, इसका मतलब F2 कितना हो गया, F1 बटे चार। तो दूरी को दुगुना करने पर उनके मध्य बल का मान एक बटे चार हो जाता है। ध्यान रखना यदि इसी की जगह ये कहता है कि मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो फॉर्मुलेशन दूरी आधी कर दी, आधी की है एक बटे दो, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती है तो वो गुणा में चला जाएगा, कितना होगा स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, तो बल क्या हो जाएगा, चार गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे सवाल को अपन बात करते हैं कि जब दूरी तो नियत हो लेकिन आवेश परिवर्तित हो, दूरी नियत है आवेश परिवर्तित है, इसका मतलब फॉर्मुलेशंस कैसी बनेगी। आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनेगा, एफ वन अपॉन एफ टू इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन क्यू वन डेज क्यू टू डेज। क्यू वन क्यू टू आपके पास क्या है, प्रारंभिक अवस्था के आवेश, और क्यू वन डेज क्यू टू डेज क्या है, परिवर्तन के बाद आवेश। उदाहरण के लिए अपन समझते हैं कि दो आवेश Q और 2Q, मतलब एक आवेश का मान तो Q है, दूसरे का मान 2Q है, के मध्य लगने वाला बल F है, यदि दोनों आवेशों के मान को दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना होगा। एक चीज का और ध्यान रखना, यदि इस सवाल में देखिए कहीं भी दूरी का जिक्र नहीं किया गया है, तो जब किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसके बारे में नहीं बताया गया हो, तो फिर अपन को ऑप्शन के बेस पे आंसर देना है। यदि ऑप्शन में कहीं परिवर्तन से संबंधित कुछ नहीं है, इसका मतलब R को आपको नियत मानकर सवाल हल करना है। यहां पर देखिए अपन ने बल को दुगुना कर दिया, इसका मतलब F2 बटे F1 कितना हो गया, Q1 डेज Q2 डेज। और यदि आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो समानुपाती क्वांटिटी थी, बल दोगुना हो गया, इसका मतलब आपके पास दोनों जो आवेश है वो क्या हो गए, दोगुने हो गए, तो बल कितना हो जाएगा, दो गुणा दो चार गुणा हो जाएगा। देखिए हल कैसे करेंगे, Q1 डेज Q2 डेज का मान कितना आ गया आपके पास, 2Q इंटू 4Q, क्योंकि Q को डबल किया तो 2Q, 4Q को दुगुना किया तो 4Q। Q1 Q2 कितना है, Q और 2Q, 2Q से 2Q कैंसिल आउट हो गया, Q से Q कितना हो गया, 4 इंटू F। इसका मतलब यदि आप आवेशों के मान को दुगुना करते हैं तो उनके मध्य लगने वाले बल कितना हो जाएगा, 4 गुणा हो जाएगा। अब देखिए अपन बात करते हैं विद्युत बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है, जैसा कि अपन ने गुरुत्वीय बल के लिए देखा था, गुरुत्वीय बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता था,
वो सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता था, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में परिभाषित था। मतलब दूरी नियत है, द्रव्यमान नियत है, तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नियत रहता था। बट अपन यहां पर बात करें तो ये माध्यम पर निर्भर करता है। कारण क्या है, अपन ने के का मान पढ़ा था 1/4πε0। इसका मतलब फॉर्मुलेशंस कैसी बनी, एप्सिलॉन नॉट क्या था आपके पास, एप्सिलॉन नॉट को देखिए निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मतलब विद्युतशीलता कहीं ना कहीं माध्यम पर निर्भर करती है। तो उसी के अनुसार ये माध्यम के अनुसार किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो सीधा सीधा याद रखना अधिकतम बल कब होगा, जब ये निर्वात में या हवा में रखा हुआ हो। जैसे ही आपने माध्यम परिवर्तित किया कर दिया तो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान निश्चित रूप से कम होगा। ये कमी कितनी होगी उसके लिए अपन फॉर्मुलेट करते हैं FM, मीडियम में माध्यम में लगने वाला विद्युत बल बराबर निर्वात में विद्युत बल बटे के। के क्या है आपके पास, उस माध्यम का अपवर्तनांक, कि एग्जैक्टली आपने जो माध्यम रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उस नियतांक का मान कितना है। तो यहां पर जो मोस्ट कॉमनली नियतांक अपन से पूछे जाते हैं वो के इक्वल टू 1 होता है निर्वात के लिए, हवा के लिए होता है 1.003, तो उसको अपन नियर अबाउट 1 ही मानते हैं। लेकिन यदि पूछ लिया जाए हवा के लिए कितना होगा और ऑप्शन में दे दे 1 और 1.003, तो आपको आंसर करना है 1.003। के का मान अनंत होता है चालक के लिए, इसका मतलब इस प्रकार के कोई भी धात्विक पदार्थ जिनमें विद्युत का परिचलन संभव है तो उनमें क्या होगा आपके पास, उसका जो गुणांक होगा अपवर्तनांक गुणांक होगा वो कितना होगा, अनंत होगा, और उसमें विद्युत बल नहीं लग सकता क्योंकि जो भी आवेश है वो निरंतर गतिशील होंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि गतिशील आवेशों के मध्य विद्युत बल की परिकल्पना कूलाम के नियम से नहीं की जा सकती। आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाएगा कि यदि दो आवेश उनके मध्य लगने वाला बल 10 न्यूटन था, यदि उन दोनों के बीच में आप किसी भी चालक छड़ को रख दें, उनके बीच में किसी चालक को रख दें तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। जैसे ही दोस्तों आपने उसके मध्य चालक रखा इसका मतलब के का मान अनंत हो गया, और एफ बटे अनंत इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, 0, तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत बल न्यूनतम कब होगा, जब अपन क्या कर दें दोनों आवेशों के मध्य चालक को रख दें। विद्युत बल अधिकतम कब होगा, जब दोनों आवेश निर्वात में या हवा में रखे हुए हों। माध्यम परिवर्तन के अनुसार विद्युत बल के मान में हमेशा संख्यात्मक मान में हमेशा कमी आती है। तो एक चीज तो सीधा सा ध्यान रखना कि कमी आती है, इसका मतलब ऑप्शन निश्चित रूप से उस बल से कुछ कम होगा। और न्यूनतम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, किसके लिए, जो भी आपके पास चालक होंगे या धातु होंगे उसके लिए विद्युत बल कितना होगा, 0 होगा। धन्यवाद। ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करना ताकि और लोगों तक पहुंचे। अभी अपन बात कर रहे थे विद्युत बल, विद्युत बल माध्यम में किस प्रकार परिवर्तित होगा, इसका मतलब ये माध्यम पे निर्भर करता था, गुरुत्वीय बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता था। अब अपन बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ द फोर्स, तीसरे बल की, जो है आपके पास चुंबकीय बल। चुंबकीय बल एग्जैक्टली ये भी कहीं ना कहीं विद्युत बल से ही संबंधित है। यदि आपको गुरुत्वीय बल आ गया तो विद्युत बल आ जाएगा, विद्युत बल आ गया तो आपको चुंबकीय बल भी आ जाएगा। जब अपन बात करें चुंबक की तो आपको पता है चुंबक हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के युग्म के रूप में होती है। इसका मतलब आपने किसी भी चुंबक को यदि टुकड़ों में विभाजित कर दिया तो उस चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक अलग चुंबक की तरह व्यवहार करता है। हर एक टुकड़े का अपना एक उत्तरी ध्रुव और अपना एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो सबसे पहला सवाल तो चुंबकीय बल के संबंधित यही बनता है कि चुंबकीय बल हमेशा युग्म रूप में होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमेशा युग्म रूप में पाया जाने वाला बल है चुंबकीय बल, हमेशा युग्म के रूप में ही होगा। दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा, जिसको मैं नॉर्थ और साउथ पोल के रूप में व्यक्त कर रहा हूं। जैसे अपन ने विद्युत बल में पढ़ा दो आवेश थे Q1 और Q2, तो यहां पे एक ध्रुव हो गया उत्तरी ध्रुव और दूसरा ध्रुव हो गया दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल। अब इन ध्रुवों की अपनी एक प्रबलता होगी। प्रबलता का मतलब क्या है कि इस ध्रुव के रेंज में, इस ध्रुव के नजदीक में जैसे कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय पदार्थ आएगा तो वो किस बल द्वारा इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है।
जितना ज्यादा बल से वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा उतनी ही इसकी प्रबलता अधिक होगी। एक ही चुंबक के लिए दोनों ध्रुवों की प्रबलता हमेशा समान होगी। इसका मतलब किसी भी एक चुंबक को आपने टुकड़ों में विभाजित किया, प्रत्येक टुकड़े के अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होंगे और दोनों ध्रुवों की प्रबलता हमेशा समान होगी। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक ध्रुव की प्रबलता अधिक हो और दूसरे ध्रुव की प्रबलता कम हो। इसका मतलब यहाँ पर N और S दोनों ध्रुवों की प्रबलता जो है वो आपके पास है, समान है। विपरीत ध्रुव यहाँ पर भी सेम वही है जैसे अपन विद्युत क्षेत्र में क्या होता था, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते थे, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। यहां भी वही होगा, समान प्रकृति के ध्रुव जो होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब जब आप नॉर्थ के पास में साउथ लाओगे, उत्तरी ध्रुव के पास में दक्षिणी ध्रुव लाओगे तो आकर्षित करेंगे, उत्तरी के पास में उत्तरी ध्रुव लाओगे दूसरे चुंबक का तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। यदि बल को परिभाषित करना चाहें तो ठीक उसी रूप में होगा। इस चुंबक को आपने देखा, एक चुंबक, ये वाला ए चुंबक है, ये वाला बी चुंबक है। इस चुंबक के दोनों ध्रुवों की प्रबलता M1 और M1 है, इसके दोनों ध्रुवों की प्रबलता M2 और M2 है। यहां पर ध्यान देना, कभी भी एक ही चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य कोई बल नहीं लगेगा। जब अपन चुंबकीय बल की बात करेंगे तो कम से कम दो चुंबकों की जरूरत होगी और वो दो चुंबक होंगे, उन दोनों चुंबकों की जो ध्रुव सामर्थ्य है, ध्रुव प्रबलता है वो अलग अलग है, M1 और M2। यदि उनके मध्य दूरी, उनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, r। ध्यान देना, जब अपन चुंबक में दूरी को मापते हैं तो दो तरीके की दूरी होती है, एक तो चुंबक की कुल दूरी, एक और एक उसकी प्रभावी दूरी। तो जो उसकी प्रभावी दूरी होती है वो कुल दूरी का कुछ कम होती है, 6/7 भाग होती है। मतलब यदि इसकी कुल लंबाई जितनी है तो उसका 6/7 भाग ही उसकी इफेक्टिव प्रभावी लंबाई होती है। तो हो सकता है सीधा पूछ लिया जाए कि तुम चुंबक की प्रभावी लंबाई होगी, या फिर आपको सवाल में दे दे L लंबाई के चुंबक की प्रभावी लंबाई होगी, ऑप्शन में दे देगा L 2L 6/7L। अपना ध्यान नहीं जाता वहां पे, क्या होगा, 6/7L ही आंसर होगा। अब यदि ये ध्रुव आपके पास दो अलग अलग चुंबक हैं, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो फिर वही जो लगने वाला चुंबकीय बल होगा दोनों ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समानुपाती को बराबर में बदलेंगे, एक नियंतांक से गुणा करेंगे। नियंतांक का ध्यान रखना, वहां पर भी अपन ने k काम में लिया था, यहां पर भी k काम में लेंगे। वहां k का फॉर्मुलेशन था 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट जो नीचे था वो अब ऊपर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ द म्यू नॉट। वो थी आपके पास निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पे विद्युत की जगह चुंबक आ गया तो क्या आ जाएगा, निर्वात की चुंबकनशीलता। वहां पे k की वैल्यू थी 9×10⁻¹, यहाँ पे फॉर्मुलेट होके क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 10⁻⁷ आ जाएगी। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4π×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। वहां पर ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट थी फेरेड पर मीटर, यहाँ पे होगी हेनरी पर मीटर। यदि के की यूनिट की बात करूं तो आपके पास फॉर्मुलेशन कितना बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, अभी आपके पास क्या होगी, हेनरी स्क्वायर के टर्म्स में होगा। तो ये है आपके पास चुंबकीय बल। चुंबकीय बल से संबंधित ज्यादा सवाल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, इसलिए अपन इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ काम काम की चीजों को समझते हैं। प्रबलता की यदि बात करूं, अभी तक अपन ने तीन बल पढ़े, गुरुत्वीय बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल। तीनों को यदि तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो प्रबलता की तुलना करें तो गुरुत्वीय बल सबसे अधिक प्रबल होता था, उसके बाद में विद्युत बल और उसके बाद में चुंबकीय बल। इसीलिए इसी ऑर्डर में अपन पढ़ रहे हैं। आगे अपन क्या पढ़ेंगे, नाभिकीय बल की बात करेंगे तो नाभिकीय बल को भी अपन पढ़ेंगे। जब अपन परास की बात करते हैं तो सबसे अधिक परास किसकी होती है, गुरुत्वीय बल की। सॉरी, ध्यान देना, गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल था, उसके बाद में विद्युत बल और उसके बाद में चुंबकीय बल। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, बलों की प्रबलता बढ़ती जा रही है, नाभिकीय बल सबसे अधिक प्रबल बल होंगे। परास की बात करूं, सबसे अधिक परास गुरुत्वीय बल की थी, अब परास धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसके बाद में परास किसकी आएगी, विद्युत बल की, फिर आपके पास परास आएगी चुंबकीय बल की। तो यदि अपन विद्युत बल की तुलना करें
तो आपके पास विद्युत बल की जो प्रबलता है वो गुरुत्वीय बल से अधिक तथा चुंबकीय बल से कम, परास की बात करें तो गुरुत्वीय बल से कम तथा चुंबकीय बल से अधिक होगी। इसी प्रकार तुलनात्मक रूप से चुंबकीय बल के लिए क्या पढ़ा जा सकता है कि चुंबकीय बल की प्रबलता विद्युत बल से अधिक होती है परंतु परास विद्युत बल से कम होती है। तो आज अपन ने जो पढ़े तीन प्रकार के फोर्स पढ़ लिए, अगली क्लास में अपन बात करेंगे नाभिकीय बल की, जो कि सबसे प्रबलतम बल होता है।